Hello student. पछे देखंथो लिखाई छी नरेन रु विवेकानंद लेखक होचंती बा प्रबंधिक होचंती सरंत कुमार महांती तो आज हमे एई चैप्टर टी पढ़वा नरेन रु विवेकानंद बहुत बढ़िया चैप्टर बहुत किछि सिखबा को मिलबो हमको जहां कि हम छात्र जीवन रे अपन मानकर छात्र जीवन रे बहुत आवश्यकता अछि तार नरेन रु विवेकानंद कर कहानी हमे जान ना रु ही जानी पकोथिबो विवेकानंद स्वामी विवेकानंद जी आमर जने युव सन्यासी भाबरे भी मध्ये परिचित जहां को आमे भल भाबरे जानु जने धर्म हिंदू धर्म रो बा सनातन धर्म रो जने महान गुरु भाबरे बा सन्यासी भाबरे जे कि चिकागो शहर रे जाई करी निजर जो भाषण दिथिले सेतिले पूरा विश्व प्रसिद्ध से हि जाईथिले से केमिति सेई स्टेज को गले से स्तर रे पहुंचिले से गोटे लेवल तांकर जो थिला सेठी पहुंचिले से तांकर जो जीवन यात्रा को आमे आज पढ़िबा नरेन रु विवेकानंद तांकर जो पितृगत नाम थिला नरेंद्रनाथ दत्त तो सेठु तांको समस्त नरेन नरेन डाकुथिले तो तांको ही आमे आज सुनिबा बा पढ़िबा तांक विषय आरो लेखक होचंती शरद कुमार महांती जहांकर जन्म जरीपड़ा ग्राम रे हेतिला कटक जिल्लार टांगी गोटे निकटवर्ती गाँव बाल्यकालरु लेखकर साहित्य प्रति रुचि थिला एही स्रष्टा विज्ञान दर्शन और आध्यात्मिक सांस्कृतिक चेतना को नहीं से अनेक प्रबंध सब रचना करि जाइछंती उच्च भावना स्वच्छंद अभिव्यक्ति और गभीर मननशीलता तांक लेखनीर वैशिष्ट्य थिला कि तांकर पराकाष्ठा थिला गांधी मनीष अस्तित्ववादर मर्म कथा ग्रीक जातिर जीवन कथा बुद्धं शरणं गच्छामि छत्रपति विवेकानंद इत्यादि तांकर केतोटी प्रमुख सृष्टि आमे तांकर आजिर लेखन जानि पारुछे कि से जने मननधर्मी कथाकार थिले लेखक थिले आज आम जो नरेन रु विवेकानंद टी पढ़ा से प्रबंधटी तांकर छत्रपति विवेकानंद जो पुस्तक अच्छी तहार अंश उक्त जो आज प्रबंध रे शरद कुमार महांती भारतवर्षर महान व्यक्तित्व प्रख्यात सन्यासी और संथ विवेकानंद महनीयतार गुण विषय आलोकपात करिसंती विवेकानंद दार्शनिक दृष्टिभंगी सेवा प्रणता संस्कार मनोवृत्ति और आध्यात्मिक एथिरे स्थान पाई आलोचित हो श्रीराम कृष्ण मुझुअली पूरा बही पढ़ी पढ़ी आपको जी बतेबी ता बेटर हम कि गोटे गोटे पाराग्राफ हिसाब से पढ़ी दूँ बही आज पढ़ूनी मु पाराग्राफर शॉर्ट करके पढ़ूँ जोटा कि आपको इजी हम सेटा को ही मन रखा शुणी शुणी मन रखिले विजुअल देखिक मन रखिले बहुत इजिली मन रही श्रीकृष्ण पृथ्वी श्री रामकृष्ण पृथ्वीर विदाय नेबा बेलू नरेन केत बर्षर थी 22 वर्षर गोटे संसार अनभिज्ञ युवक थे अनभिज्ञ मीन्स कि जाणि नभिज्ञ ना कि जाणु नए यार वर्षक पूर्व ठीक तर पिता विश्वनाथ दत्तर देह त्याग करते सी भी मृत्यु घटी नरेन एभली परिस्थिति रे पड़ा सत्वे से दुर्बल हो पड़ नथिले कारण दृढ़ मना वीर पुरुष नरेन को श्री रामकृष्ण जो मार्गदर्शन देते ताकि यथेष नरेन रु विवेकानंद को जन्म देवाई दक्षिणेश्वर होता एंतुड़ीशाड़ स्वयं प्रभु श्री रामकृष्ण थे धात्री माने धाई जो मैंने पिला जन्म करते आज मुझे मानने चैप्टर टी पढ़ुची जो से प्रबंधटी आगुरु मु बहुत भल भाव पढ़ी देती कारण मत भी जानवर था कि जो सन्यासी जीवन कहानी विवेकानंद तेणुक मुझे आगुरी पढ़ी भी देती तेणुक तार जो सारांश छोट छोट पार्ट पूरा करदेटा को आम मुझे पढ़ेबी से मोर जो सांग अच्छी मोर फ्रेंड मोर भी जी से मतलब बहुत हेल्प करणी मिश्र तो खाली सेमती ही पाराग्राफ ही टी जी मोर मन अच्छे जी लिखी लिखा कि रखी से ही कहूँ नरेन को जो विवेकानंद जो जन्म होता सेटार एंतुड़ीशाला था दक्षिणेश्वर काली जोटा कि आमर कलकत्ता रे अच्छे और स्वयं रामकृष्ण परमहंस होते धात्री धात्री माने धाई कारण श्री रामकृष्ण सहित नरेन का 5 वर्षर निबिड़ संपर्क नरेन विवेकानंद परिणत हो जाए
ରାମକୃଷ୍ଣ ନରେନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ମାନବ ସେବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ନରେନଙ୍କ ସମାଧିସ୍ଥ ଅବସ୍ଥା ଜନିତ ଆନନ୍ଦକୁ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ସାଧନର ମାର୍ଗ ନୁହେଁ ବୋଲି ପରୋକ୍ଷରେ ଜଣାଇ ଦେଇଥିଲେ। ତୁମକୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ନ ଜଣାଇକି ପରୋକ୍ଷରେ କହିଥିଲେ କି ତୁମେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଓ ଆତ୍ମଖୁସି ପାଇଁ ଯେଉଁ ସମାଧିର ମାର୍ଗରେ ଯିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସାଧନାର ମାର୍ଗ ନୁହେଁ। ତୁମେ ସମାଧିସ୍ଥ ହୋଇକରି ପୁରା ସଂସାରରୁ ନିଜକୁ ଅଲଗା କରିଦେବ ସେଇଟା ତ ଗୋଟେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ପ୍ରକୃତ ମାନେ ଇଏ ନୁହେଁ ନା ବିଚାର ନୁହେଁ। ତେଣୁକରି ସେ ତାକୁ କ'ଣ କହୁଥିଲେ କି ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ବୁଝାଇଥିଲେ କି ତୁମେ ସଂସାରର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ସେମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଯଦି ଲାଘ କରିପାରିଲ ତାହେଲେ ତୁମେ ହେଉଛ ପ୍ରକୃତ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ତ ତାଙ୍କୁ ଇନ୍ଡାଇରେକ୍ଟଲି ପରୋକ୍ଷରେ ଜଣାଇ ଦେଇଥିଲେ, ସେ ନରେନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ନରେନ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାଣ୍ଡ ବଟବୃକ୍ଷ ହୋଇ ହଜାର ହଜାର ମଣିଷକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେବେ। ମୁଁ ଯେଉଁଟା କହିଲି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଦେବେ, ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦଶା ଦୂର କରିବାର ସାହାଯ୍ୟ କାମ କରିବେ, ସେ ହେଉଛି ବଟବୃକ୍ଷ ହୋଇକି ହଜାର ହଜାର ମଣିଷକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେବେ। ସେହି ପ୍ରେରଣାରେ ବିବେକାନନ୍ଦ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଜନତାକୁ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଯେଉଁ କହନ୍ତି ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ରୂପରେ ପୂଜା କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଲେ। ଭଗବାନ ମାନିକରି ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ। ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ହେଲା ମନୁଷ୍ୟ ସେବା ହିଁ ଈଶ୍ୱର ସେବା। ନେକ୍ସଟ ପାରାଗ୍ରାଫ ଗୁଡ଼ିକ ନେକ୍ସଟ ଚାପ୍ଟର ଷ୍ଟେଟ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।